वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं जो प्रीवियस क्लास का वीडियो था यानी कि WCL का माइनिंग सरदार का जो क्वेश्चन पेपर था इस बार का, वो मैं डिस्कस कर रहा था। 50 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हो चुका था और मैं आगे का क्वेश्चन इस वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 है, बियरिंग प्लेट रिलेटेड टू, बियरिंग प्लेट इनमें से किससे संबंधित है? रूप सेफ्टी से, माइंड वेंटिलेशन से, रेस्क्यू रिकवरी से, या नन ऑफ दीज? तो अभी से आपको पता होगा कि बियरिंग प्लेट का हम लोग रूप बोल्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो ये रूप सेफ्टी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट ऑरिफिस रिलेटेड टू, इक्विवेलेंट ऑरिफिस इनमें से किससे संबंधित है? रूप सेफ्टी से, माइंड वेंटिलेशन से, डस्ट ट्रीटमेंट से, या नन ऑफ दीज? तो जो इसका आंसर है वो हो जाएगा माइंड वेंटिलेशन से। इक्विवेलेंट ऑरिफिस मतलब बेसिकली माइंड वेंटिलेशन से संबंधित होता है। इसका एक फार्मूला होता है निकालने का, ठीक है आपका बेसिकली इस पर मैं कभी वीडियो बना दूंगा कैसे निकालते हैं फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 53 आते हैं, ये है ब्रेकर लाइन। बेसिकली ब्रेकर लाइन के बारे में बोला गया है कि जो ब्रेकर लाइन होता है, ब्रेकर लाइन ऑफ ए सपोर्ट इज ए काइंड ऑफ, सपोर्ट का जो ब्रेकर लाइन होता है वो कौन सा किससे संबंधित है? तो फेस सपोर्ट से, सपोर्ट ऑन ट्रैवलिंग रोडवे, गोफ एज सपोर्ट, या नन ऑफ दीज? तो इसका आंसर हो जाएगा गोफ एज सपोर्ट। यानी गोफ जो होता है, गोफ का जो किनारा होता है जिसको आप सपोर्ट करते हैं, बेसिकली उस सपोर्ट के लिए ब्रेकर लाइन सपोर्ट कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। ये एक तरह का गोफ एज सपोर्ट यानी गोफ का जो किनारा होता है उसको सपोर्ट देने का तरीका है। अगला क्वेश्चन है, जो एनुअल रिटर्न पेपर ने बनाया था कि WCL का जो माइंस है वो कौन कौन से स्टेट में लोकेटेड है? कर्नाटका, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गुजरात में, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र, या फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में? तो बेसिकली इसका हो जाएगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, दोनों डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली इसका फैला हुआ। टोटल मिला के लगभग 10 एरिया है तो दो स्टेट में फैला। अगला है बेसिकली नंबर ऑफ वीकली डेज ऑफ रेस्ट एज पर माइंस एक्ट 1952। माइंस एक्ट 1952 के हिसाब से नंबर ऑफ वीकली डेज ऑफ रेस्ट क्या होगा? एक दिन, दो दिन, आधा दिन, या नन ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक दिन। यानी कि हफ्ता में 7 दिन होता है, इसमें से 6 दिन आपको ड्यूटी करना और एक दिन कम से कम आपको रेस्ट दिया जाना चाहिए, जिसका ड्यूरेशन का बात करेंगे तो कम से कम 24 घंटा का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रेनी ऑफ मिनिमम डैश एज कैन वर्क इन द माइन एज पर इन माइंस एक्ट 1952। मतलब कुल मिलाकर के बोला है कि एक माइंस में ट्रेनी या अप्रेंटिस करने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 16 साल। कॉम्पिटेंट पर्सन वाला कोई भी एग्जाम देने के लिए, DGMS का एग्जाम बैठने के लिए 20 साल होना चाहिए, मैनेजर के लिए 23 साल होना चाहिए। तो पता होगा आपको, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला है कैलेंडर ईयर ऑफ एज पर माइंस रूल। माइंस रूल के हिसाब से कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है। 1 अप्रैल से बात करेंगे 31 मार्च तक, तो ये बेसिकली आपका फाइनेंशियल ईयर रहता है। अगला क्वेश्चन है, वेलफेयर ऑफिसर इज अपॉइंटेड इन द माइन व्हेन डैश पर्सन्स आर एम्प्लॉयड इन द माइंस। मतलब कुल मिलाकर के बोला है कि वेलफेयर ऑफिसर का नियुक्ति कितना पर्सन पे करते हैं? तो जब कोई भी माइंस में 500 से ज़्यादा आदमी काम करता है उस कंडीशन में वेलफेयर ऑफिसर का नियुक्ति करते हैं, मतलब कल्याण पदाधिकारी का नियुक्ति करते हैं। और 2000 जैसे प्लस होते जाएगा, यानी कि कुछ मिलाकर के 500 और प्लस 2000 यानी 2500 से ऊपर जब होता है तो उस कंडीशन में वेलफेयर ऑफिसर का संख्या बढ़ाते जाते हैं और 2000 पे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगला है, अटेंडेंसी ऑफ अंडरग्राउंड वर्कर आर मार्क्ड इन। अंडरग्राउंड वर्कर का कौन सा रजिस्टर में हाजिरी मार्क होता है? ऑप्शन है फॉर्म ए में, फॉर्म बी में, फॉर्म सी में, या फॉर्म डी में? तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली फॉर्म डी में। चाहे अंडरग्राउंड हो, चाहे ओपन कास्ट हो, चाहे सरफेस हो, सबका जो हाजिरी होता है वो आजकल फॉर्म डी में भरता है, बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अटेंडेंस ऑफ सरफेस वर्कर, जो मैंने बताया अभी कि फॉर्म डी में सबका हाजिरी बनेगा, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा कोयल का प्रोडक्शन कौन करता है? तो देखिए, मैं जब पहला क्लास लेता हूँ उसमें मैं यही चीज़ें पढ़ाता हूँ, कोल हिस्ट्री, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता है कि ये क्या अटपटा चीज़ है। तो बेसिकली काम का चीज़ है, मैं बाहर का चीज़ नहीं पढ़ाता हूँ। देखिए, पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो जानकारी आपको डीप में होना जरूरी है आज का। तो बोला गया है कि देखिए, बताते हैं, भारत का जो स्थान होता है कोल प्रोडक्शन के हिसाब से वो दूसरा है। पहला स्थान में आपका चाइना आता है, कीड़ा खाने वाला देश, ठीक है। अगर हम बात करेंगे रिजर्व का मैटर में, तो रिजर्व में पहला नंबर पे USA है, ठीक है, और 5वां नंबर पे आपका इंडिया है। तो इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिजर्व पूछा है या प्रोडक्शन पूछा है। रिजर्व का मतलब इतना कोयला है, कोयला का कितना है? तो भैया 9% पूरा देश में जितना कोयला है सब कंट्री को मिला के, उसमें 9.5% के आसपास इंडिया का अकेला कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो कि 5वां स्थान पर। USA है पहला स्थान पर,
और प्रोडक्शन का बात करेंगे तो उसमें इंडिया है सेकेंड नंबर पे। तो यहाँ पर बोला कि हाईएस्ट कुल प्रोडक्शन तो चाइना का हो जाएगा पहला नंबर पे। यही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एसएमपी एज पर कोल माइंस रेगुलेशन स्टैंड फॉर, एसएमपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 104 में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, डैश इज नॉट कोल, इनमें से कौन सा जो है वो कोल नहीं है? तो ये भी बेइज्जती करने वाला सवाल है बेसिकली। तो डायमंड जो है वो कोयला नहीं है, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट और पीट जो है वो कोल का कैटेगरी में आता है। हालांकि पीट को इंटरनेशनली एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इसके जगह पे सब बिटुमिनस नाम का एक कैटेगरी जिसको ब्लैक लिग्नाइट भी कहा जाता है उसको ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एफएबी किससे संबंधित है? एफएबी मतलब होता है फ्रेश एयर बेस। तो बेसिकली जब कभी भी रेस्क्यू टीम जाता है तो एक जगह चुन लेता है जहाँ से हवा का पाइप खींचा जाता है, उसी जगह से हवा उसमें पाइप के जरिए सप्लाई होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेश एयर बेस। तो ये बेसिकली माइंस रेस्क्यू और रिकवरी अंडरग्राउंड माइंस में संबंधित है, क्योंकि रेस्क्यू रूल जो है वो अंडरग्राउंड माइंस में ही वैलिड होता है, अपन कास्ट माइंस में रेस्क्यू रूल लागू नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस चाहे कोल का हो चाहे मेटल का हो उसी में रेस्क्यू रूल लागू होता है, तो अंडरग्राउंड माइंस में लागू है। अगला क्वेश्चन है, SCBA का मतलब क्या होता है? तो सेल्फ कंटेंड ब्रीदिंग अपरेटस होता है, ठीक है। अगर वही बोलेगा SCRA का मतलब क्या होता है, तो सेल्फ कंटेंड रेस्क्यू अपरेटस होता है, ठीक है। सेल्फ रेस्क्यूअर होता है एक, SCSR होता है सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे SCBA है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस होता है, ठीक है। SCSR देखिए जो मैंने पूछा था वो पूछ ही दिया गया, SCSR का मतलब होता है सेल्फ कंटेंट सेल्फ रेस्क्यूअर। ये क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन वर्किंग अपरेटस है, रिवाइविंग है, एस्केप है, नन ऑफ दीज। तो देखो लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब इसको लगाइए आराम से काम करते रहिए कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइविंग का मतलब होता है किसी को लगा कि उसको सांस वांस चढ़ा के जिंदा कर सकते हैं। तो भैया ना ये लॉन्ग ड्यूरेशन वर्किंग अपरेटस है ना ये रिवाइविंग है, ये बेसिकली एस्केप अपरेटस है। 2 घंटा तक उसका फ्यूल रहता है, उसको लगाइए और लगा के दौड़िए माइंस से बाहर निकलिए। फ्यूल नहीं रहता बेसिकली, 2 घंटा तक उसका उसमें आप काम कर सकते हैं, ठीक है। माइंस का जब हजार्डस कंडीशन हो, आग वाग लग जाए तो उस कंडीशन में लगा के उस जगह से भागने का काम आता है सेल्फ रेस्क्यूअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट ए फर्स्ट एड आइटम, इनमें से कौन सा जो है वो फर्स्ट एड आइटम नहीं है? ब्लैंकेट, स्ट्रेचर, स्प्लिनिट और बैरोमीटर। तो आपको ब्लैंकेट लग रहा होगा देख के कि ब्लैंकेट चादर का क्या काम है, नहीं, बेसिकली फर्स्ट एड स्टेशन में ये रखा जाता है, ठीक है। ब्लैंकेट रखा जाता है, स्ट्रेचर जो है 2 टाइप का, आयरन वाला रॉकिंग वाला, दोनों रखा जाता है। स्प्लिनिट का बात करेंगे तो वो भी रखा जाता है, हड्डी वड्डी टूटता है जोड़ा जाता है। और बैरोमीटर जो है ये आपका फर्स्ट एड का नहीं है, वेंटिलेशन का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज एयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा है जो एयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। डैश इज एयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो बेसिकली बॉबिन मीटर सबसे पहले बोला गया है, ठीक है। सेकेंड है आपका एनिमोमीटर, थर्ड है आपका रेन गेज, फोर्थ है फोन चार्जर, ठीक। तो बेसिकली यहाँ पे एनिमोमीटर और वेलोमीटर दो ठो जो होता है ये आपका एयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। बाकी आपका एयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। बेसिकली बोबिन आपका प्रेशर नापता है, रेन गेज जो है आपका बरसात का कितना एमएम कितना सेंटीमीटर पानी गिरा वो नापता है, फोन चार्ज तो आपको पता ही है। अगला है, डैश इज नॉट रिलेटेड टू अपन कास्ट माइनिंग, इनमें से कौन सा जो है अपन कास्ट माइनिंग से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ऑडिट क्या होता है, ऑडिट बेसिकली पहाड़ी इलाका में जो ऊपर टॉप में मिनरल होता है उसको निकालने के लिए नीचे से एक इंक्लाइन रास्ता गुजारा जाता है, उसी को बोलते हैं ऑडिट, जो कि अंडरग्राउंड होता है। मतलब पहाड़ के अंदर में भी जा रहा है तो टनल बना के जाना है तो उसको अंडरग्राउंड कहेंगे, तो अपन कास्ट में तो नहीं आएगा। इंक्लाइन पता है आपको, साफ पता है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइसिंग रिलेटेड टू डैश ऑपरेशन, स्लाइसिंग जो है वो किससे संबंधित है? तो देखो बेसिकली एक होता है स्प्लिट, स्प्लिट गैलरी चला के आप अलग अलग भाग में पिलर को बांट लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप स्लाइस गैलरी चला चला के है ना कोयला को काटने का काम करते हैं, ठीक है। तो स्लाइसिंग से या स्ट्रोक से 2 तरीके से आप कोयला को डिप्लरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली स्लाइसिंग क्या है, स्लाइसिंग एक डिप्लरिंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजी, इनमें से कौन सा ऐसा है जो अंडरग्राउंड माइनिंग टेक्नोलॉजी नहीं है? तो एक है लॉन्ग वाल, दूसरा शॉर्ट वाल बोल रहा है, कंटिन्यूस माइनर डिप्लरिंग बोल रहा है, माइनिंग विद ड्रैग लाइन। तो माइनिंग विद ड्रैग लाइन नहीं है, ओपन कास्ट में यूज़ किया जाता है। लॉन्ग वाल आपको पता है, शॉर्ट वाल में वही वाला अगर छोटा फॉर्म में होता है बेसिकली सीरा न लगा के PSW का यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में बोलते हैं कंटिन्यूस माइनर। आपको पता है कि उसको रोमन पिलर मेथड कहते हैं हम लोग, RNP मेथड। इसमें कंटिन्यूस माइनर और शटल कार मिलकर काम करता है, और माइनिंग विद ड्रैग लाइन ये आपका ओपन कास्ट का चीज़ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉप सेट टू कॉर्नर ऑफ कॉग आर कॉल्ड एज, इसको ऐसा समझिए कि जो लकड़ी होता है इसको हम लोग क्रीस क्रॉस मैनर में सजाते हैं, जो प्रॉप होता है सिल्ली होता है इसको हम क्रीस कॉर्नर मैनर में सजाते हैं। इसको सजाने से पहले चारों कॉर्नर में 4 हम खूंटा गाड़ते हैं, ठीक है।
इसी खूंटा को बोला गया है कि इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉर्नर प्रॉप, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉर्नर प्रॉप, ठीक है। कॉर्नर प्रॉप को सबसे लास्ट में खोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंकरेज टेस्टिंग रिलेटेड टू, एंकरेज टेस्टिंग किससे संबंधित है, तो रूप बोल्टिंग से संबंधित है। जितना भी होता है उसमें से 10% को रैंडमली चूज करके उसका एंकरेज टेस्टिंग किया जाता है और 1% को चूज करके उसका डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिले डिटोनेटर रिलेटेड टू, डिले डिटोनेटर किससे संबंधित है, रूप सपोर्ट से संबंधित है, वाटर ड्रेनेज से संबंधित है, ब्लास्टिंग से संबंधित है। जी बिल्कुल, ये आपका ब्लास्टिंग से संबंधित है, डिले डिटोनेटर ब्लास्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्टर ऑफ रिटर्न ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट इज मेंटेन, मतलब अगर रिपोर्टेबल एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कौन सा खाता में मेंटेन करते हैं। देखिए रिपोर्टेबल का मतलब होता है 72 आवर से प्लस अगर कोई व्यक्ति एब्सेंट है कोई दुर्घटना के कारण, उसे हम रिपोर्टेबल इंजरी कहते हैं। रिपोर्टेबल हम लोग के में करते हैं, और माइनर का मतलब होता है जिसमें 24 घंटा से 72 घंटा तक के लिए एब्सेंट रहे, उसे हम माइनर एक्सीडेंट कहते हैं। तो फॉर्म के में माइनर वाला, फॉर्म जे में होगा आपका रिपोर्टेबल वाला, तो रिपोर्टेबल बोला है तो फॉर्म जे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउजिंग ऑफ वेंटिलेशन इन अंडरग्राउंड इज डन बाई, कोर्सिंग जो होता है वो कैसे किया जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेंटिलेटिंग स्टॉपिंग ब्रिटिश क्लॉथिंग डक्टिंग और नन ऑफ दिस, देखिए ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली क्या है, एक गैलरी से अगर आप हवा गुजार रहे हैं तो इस हवा को धीरे करना स्पीड करना करते करते हम लोग अंदर तक पहुंचाते हैं। अभी मान के चलिए माइंस का कितना डीप होता है, कितना सारा गैलरी चला है, लेकिन फिर भी हवा वहां तक हम लोग पहुंचाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं पे ब्रिटिश पर्दा लगा देते हैं, कहीं पे हम लोग डक्ट जोड़ देते हैं पंखा के साथ में, ठीक है, कहीं पे हम लोग बेसिकली वेंटिलेशन स्टॉपिंग बना देते हैं। तो ऐसे कर करके पहुंचते हैं हम लोग, हवा को पहुंचाते हैं, तो उसको बोलते हैं कोर्सिंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच गियर रिलेटेड टू, स्विच गियर इनमें से किससे संबंधित है, सपोर्ट सिस्टम से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से संबंधित है, वेंटिलेशन सिस्टम से संबंधित है, या मोटर व्हीकल से संबंधित है। तो बिल्कुल सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेशन से और मोटर व्हीकल, ये तीनों से संबंधित नहीं है, ये बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम से संबंधित है स्विच गियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टोन डस्ट बैरियर रिलेटेड टू, स्टोन डस्ट बैरियर इनमें से किससे संबंधित है, ठीक है। सबसे पहला बोला गया है कि रूप सपोर्ट से है, दूसरा बोला गया है माइंड डस्ट प्रिवेंशन से संबंधित है, तीसरा बोला गया फायर एंड एक्सप्लोजन सेफ्टी या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा फायर एंड एक्सप्लोजन सेफ्टी। माइंड डस्ट प्रिवेंशन से इसलिए नहीं है क्योंकि माइंस का डस्ट को ये रोकने का काम नहीं करता है। अगर हम स्टोन डस्ट का छिड़काव करते तब ये माइंड डस्ट को रोकता, लेकिन हम यहाँ पे बैरियर का बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आग को रोकने के लिए, अगर विस्फोट हो जाए तो उसको रोकने के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर को फायर एंड एक्सप्लोजन सेफ्टी कहते हैं। आरएमआर स्टैंड फॉर रॉक मास रेटिंग, आपको पता होगा आरएमआर का फुल फॉर्म होता है रॉक मास रेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइंस एक्ट 1952 इज एप्लीकेबल ऑन, माइंस एक्ट 1952 किन में एप्लीकेबल है, ऑयल माइंस में, मेटल माइंस में, कोल माइंस में, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली ऑल ऑफ दीज, ये सभी में एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 57 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बोला गया है कि जितना भी रेगुलेशन बनाया जाता है, चाहे सीएमआर हो, कोल माइंस रेगुलेशन हो, ऑयल माइंस रेगुलेशन हो, या मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन हो, ये सब का सब सेक्शन 57 के अंदर में बनाया जाता है। तो माइंस एक्ट के अंदर में ही आ जाता है ये तीनों, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजेंट, एजेंट का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आता है, तो बेसिकली जो भी मैनेजमेंट वाले पोस्ट होते हैं उसका बेसिकली आ जाता है आपका सुपरविजन, कंट्रोल, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट, ये चारों आ जाता है, ठीक है। बट अगर हम बात करेंगे इसका ओवरमैन का या सरदार का, तो वहाँ पर आता है कंट्रोल एंड सुपरविजन, ठीक है, मैनेजमेंट तक आता है बट डायरेक्शन नहीं आता। तो यहाँ पर हो जाएगा ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट में मैनेजमेंट है, कंट्रोल है, सुपरविजन, डायरेक्शन, मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है मिनिमम एज ऑफ ए पर्सन टू वर्क इन अंडरग्राउंड माइंस एज पर माइंस एक्ट 1952 अदर देन ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग को छोड़ के, यहाँ पे ट्रेनिंग को छोड़ के अदर देन भी बोला है, इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। तो ट्रेनिंग को छोड़ के मतलब इम्प्लॉय का बात कर रहा है, तो इम्प्लॉय बनने के लिए कम से कम 18 साल होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ अब्सेंस ऑफ ए पर्सन फ्रॉम हिज ड्यूटी एज पर डेफिनेशन रिपोर्टेबल इंजरी, मतलब रिपोर्टेबल इंजरी के डेफिनेशन के हिसाब से कितना घंटा तक अब्सेंट रहेगा कोई व्यक्ति अगर कोई दुर्घटना के कारण, ठीक है, तो उसको माना जाएगा, तो वो है 72 घंटे से प्लस, जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है वीक एज पर माइंस एक्ट 1952, वीक क्या होगा, तो 7 दिन का समय होगा, इस पर टाइम बर्बाद करके फायदा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अ स्टीफिंग रेशियो इज ए रेशियो, यहाँ पे आते हैं, देखिए अ स्टीफिंग रेशियो में बोला गया है सबसे पहला कि 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कोल इज टू ओवर वर्डन इन आपका क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कोल इंटू आवर वर्डन इन टन, 1 टन ऑफ कोल इंटू आवर वर्डन इन क्यूबिक मीटर, और 1
टन ऑफ कोल इंटू ओवर वर्डन इन टन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्ट्रिपिंग रेशियो में जो कोयला होता है ना, इसको हम लोग टन में लेते हैं, ठीक है, इतना ध्यान है। इसके बाद जो ओवर वर्डन होता है, इसको हम लोग मीटर क्यूब में लेते हैं। तो जहाँ पे ओवर वर्डन मीटर क्यूब में नहीं लिखा है, उसको तो पहले हम कट कर देंगे। तो ओवर वर्डन यहाँ टन में है तो इसको काट देंगे, ठीक है, ओवर वर्डन यहाँ टन में है तो उसको काट देंगे। ओवर वर्डन मीटर क्यूब में होगा मतलब या तो ये वाला होगा या ये वाला होगा। अब अगला लाइन पढ़ते हैं, वन क्यूबिक मीटर ऑफ कोल, कोल हमेशा टन में होगा तो ये वाला काट देंगे। अब बच जाएगा आपका आंसर नंबर सी। तो वन टन ऑफ कोल मतलब प्रति टन कोल प्रोडक्शन में जितना ओवर वर्डन मीटर क्यूब में निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। IME का फुल फॉर्म क्या होता है? IME का फुल फॉर्म होता है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू हुम द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल गिव नोटिस फॉर ओपनिंग ए माइन। नोटिस ऑफ ओपनिंग का किसको दिया जाता है, देखिए बताते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ माइंस एक्ट 1952, उसके हिसाब से जो नोटिस दिया जाता है वो CI साहब को, RI साहब को, DM साहब को और IBM को दिया जाता है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को। अब आप कहेंगे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का तो काम नहीं है, CMR में तो दिया नहीं है, बट देखिए बताते हैं। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसको रिकॉर्ड रखना होता है कि कहाँ कहाँ कितना कितना कोयला का स्टॉक है, नहीं है, ठीक है। जैसे कुल मिलाकर के बात करेंगे तो अभी कुछ दिन पहले जमुई में जो गोल्ड का भंडारण मिला, सोना का, उसका रिकॉर्ड किसके पास है? IBM के पास। तो IBM को पूरा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, कितना प्रोडक्शन कौन किया, नहीं किया, कितना कहाँ कोयला है, नहीं है, रिजर्व कितना निकाला, नहीं निकाला, इसके लिए IBM को भी भेजना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, हाउ मेनी डेज बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशन ऑफ अ माइन द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल गिव नोटिस टू द कंपेटेंट अथॉरिटी। मतलब माइनिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले एजेंट ऑनर मैनेजर कौन कंपेटेंट अथॉरिटी को नोटिस कितने दिनों के पहले देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डेज, 30 दिन पहले कम से कम उसको नोटिस देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड यूरिनल इन द माइन। मतलब कुल मिलाकर के बोला है कि पानी पीने का जगह हुआ से जो टॉयलेट करने वाला जगह हुआ होता है उसके बीच का दूरी कितना होता है? तो कम से कम 6 मीटर रखा जाता है। अगर आप 15 मीटर मारते हैं तो वो कुछ और चीज़ है, ठीक है, वो कैंटीन वाला हिसाब किताब है। तो यहाँ पे आपको 6 मीटर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंप स्लोप इन ओपन कास्ट माइन शैल नॉट एक्सीड। डंप स्लोप जो होता है वो 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो स्लोप होता है मैक्सिमम एंगल, एंगल ऑफ रिपोज, 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमन एम्प्लॉयमेंट एज पर माइंस एक्ट 1952 एज परमिसिबल बिटवीन। मतलब महिला का नियोजन किस वक्त परमिशन दिया गया है? तो 6 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक परमिशन है, महिला को इस वक्त काम कर सकती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, FSL मीन्स, FSL का मतलब क्या होता है? आपको पता है फ्लेम सेफ्टी लैंप होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, PME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है जो कि हर 5 साल में लिया जाता है एम्प्लॉय का, अलग अलग कंडीशन है बाकी में। डैश इज कॉल्ड एज किलर गैस, इनमें से किसको किलर गैस कहा जाता है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को किलर गैस भी कहा जाता है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट है, फायर डैम रिलेटेड टू, फायर डैम किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा CH4 से संबंधित है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे और इससे रिलेटेड इथिलीन इथाइलीन वगैरह नहीं दिया है तो CH4 भी आपको टिक करना है। नेक्स्ट है, ड्यूटीज ऑफ माइनिंग सरदार क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ वर्किंग फेसेस, गोव एड्स रे, इंस्पेक्शन ऑफ रोडवेज। जी बिल्कुल, रोडवे का जांच करना, जो वर्किंग प्लेसेस है उसका जांच करना और जो गोफ है उसका किनारा का जांच करना, ये तीनों काम माइनिंग सरदार का होता है अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 129, माइनिंग सरदार द्वारा जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोफ इज अ प्लेस वेयर कोल इज टेकन आउट, वे फ्रॉम वेयर कोल हैज बीन टेकन आउट, वेयर कोल इज बीइंग टेकन आउट और ऑल ऑफ द अबव। मतलब यहाँ पे कंफ्यूज करने को कोशिश किया बट पूरा नहीं, आपको बताते हैं। गोफ एक ऐसा जगह होता है जहाँ से कोयला काट लिया गया है, मतलब कोयला ख़त्म हुआ, जो पिलर होता है उसका पिलर या कोयला जो है वो काट लिए हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला गया इज टू बी टेकन आउट, मतलब करना है भैया, मतलब कोयला काटना है, अभी काटे नहीं है, काटना है, तो ये तो नहीं हो जाएगा। दूसरा बोला है फ्रॉम वेयर कोल हैज़ बीन टेकन आउट, मतलब जो कोयला था उसको काट लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता, अगर ध्यान देते तो आपका ये क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होता। नेक्स्ट है, ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार इज डिफाइंड है, ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार किस में डिफाइंड किया गया है? तो रेगुलेशन नंबर 48 में डिफाइन किया गया है, 46 में वेंटिलेशन ऑफिसर है, 47 में माइनिंग सरदार ओवरमैन के बारे में है, ठीक है, 49 में शॉट फायरर है, तो 48 हो जाएगा इसका सही आंसर।
नेक्स्ट है मिनिमम एज ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन एज पर सीएमआर 2017, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, तो 20 साल मैंने बताया था कि 16 साल ट्रेनिंग के लिए, 18 साल जॉब के लिए, 20 साल आपका कॉम्पिटेंट पर्सन के लिए, 23 साल आपका मैनेजर का परीक्षा बैठने के लिए। रिटायरमेंट के लिए नॉर्मल 60 साल होता है, लेकिन उसको अब एक्सटेंड करके 70 साल तक किया जा सकता है, जिसमें हर साल आपको मेडिकल जांच का रिपोर्ट देना पड़ेगा फिजिकली फिट होने का। लास्ट क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो का और इस WCL का। वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड फ्रॉम डैश डिसिप्लिन, वर्कमैन इंस्पेक्टर डैश डिसिप्लिन से अपॉइंट किया जाता है। तो माइनिंग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों का वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगर आप ECL बेसिकली अगर आप माइनिंग सरदार का या ओवरमैन की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिएगा, क्योंकि बैच ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ मैं, डेमो वगैरह अभी चल रहा है। तो अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 6200670155। इस व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है और आपको इंक्वायरी कर लेना है कि मुझे क्लासेस करना है, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है, बाकी मैं वहीं बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।